हेलो एवरीवन, सो आज का हमारा क्वेश्चन है प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। जो मॉसेस के प्रोटोनिमा होते हैं वो क्या से होते हैं, इनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन दिया है हैप्लॉइड, दूसरा ऑप्शन दिया है डिप्लॉइड, तीसरा ऑप्शन दिया स्पोरोफाइट और चौथा ऑप्शन दिया है ट्रिप्लॉइड्स। तो ये चार ऑप्शन दिए हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट और ट्रिप्लॉइड्स। तो इसमें से कौन सा जेनेटिक मेकअप जो है प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके लिए हमको एक बार ये वाला चीज देखना पड़ेगा। तो अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है, कोई गैमेटोफाइट है, हमारे पास क्या है, कोई गैमेटोफाइट है जो कि लिविंग प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्या होगा कि अगर इसमें अगर वो डायोशियस कंडीशन होगी तो एक मेल गैमेटोफाइट्स होगा, दूसरी क्या होगी फीमेल गैमेटोफाइट्स होगी। मतलब हमारे पास एक मेल गैमेटोफाइट्स होगा, दूसरा क्या होगा हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट्स होगी। मेल गैमेटोफाइट्स और फीमेल गैमेटोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। यहां पे मेल सेक्स ऑर्गन और यहां पे फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन होने के बाद यहां से मेल गैमेट्स बनेगा, मेल गैमेट बनेगा और यहां पे क्या बनेगी, यहां पे बनेगी फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट जिसे हम लोग कहते हैं एक, और मेल गैमेट जिसे हम लोग कहते हैं जो है एंथोजॉइट्स। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेंगे इस तरीके से, ये फ्यूज करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे क्या, जाइगोट, यहाँ पे बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे क्या बनेगी, स्पोरोफाइटिक जनरेशन बनेगी। मतलब वो फूड सीटा और कैप्सूल वाला स्टेज बनेगा, फूड सीटा और कैप्सूल वाला, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारा प्रोटोनिमा। मतलब मॉसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, फूड बनेगा, सीटा बनेगा और कैप्सूल बनेगा। फूड सीटा एंड कैप्सूल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, फूड सीटा कैप्सूल बन गया। तो कैप्सूल के अंदर अगर कैप्सूल की हम लोग बात करें तो कैप्सूल के अंदर क्या बनेगा, कैप्सूल के अंदर फॉर्म होगा स्पोर्स। मतलब कैप्सूल के अंदर होंगे स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, और उस स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा, मियोसिस होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद यहाँ पे बनेंगे स्पोर, यहाँ पे बनेगी स्पोर और स्पोर आगे चल के डेवलप करेगी क्या, प्रोटोनिमा, और ये प्रोटोनिमा फिर आगे चल के डेवलप करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट्स। तो ये है क्या, लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। पहले हमारे पास गैमेटोफाइट्स अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट्स, मेल गैमेटोफाइट से मेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। फिर वहाँ पे जहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमेट्स बनेंगे। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जायगोट फिर आगे डेवलप करेगा और वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, स्पोरोफाइट्स का फॉर्मेशन होगा। स्पोरोफाइट्स में क्या क्या होंगे, फूड सीटा और कैप्सूल होगा। इसमें जो फूड का काम होगा वो अटैचमेंट का होगा, सीटा जो है वो दोनों को, मतलब कि फूड जो है वो एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट वगैरह, सीटा जो है उसको प्रोवाइड करेगी कहां तक, कैप्सूल तक। कैप्सूल के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी, वो सेल्स किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, स्पोर मदर सेल्स का। स्पोर मदर सेल्स में होगा मियोसिस, मतलब कि हमारे पास जो गैमेटोफाइटिक मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट था, मतलब कि जो हैप्लॉइड था वो फ्यूज करके यहाँ पे जाइगोट जो बनता है वो क्या होती है, डिप्लॉइड स्टेज होती है। उसके बाद जो स्पोरोफाइट्स बनती है ये भी डिप्लॉइड स्टेज होती है, और जो कैप्सूल होता है वो भी डिप्लॉइड स्टेज होती है, और जो स्पोर मदर सेल्स होती है वो भी डिप्लॉइड स्टेज होती है। स्पोर मदर सेल्स में जैसे ही मियोसिस होता है वो हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट जाती है, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स फिर आगे चल के जो है हैप्लॉइड प्रोटोनिमा बनाती है। मतलब कि ये कंडीशन हैप्लॉइड थी, मैं दूसरे कलर से बता देती हूं, ये कंडीशन हैप्लॉइड थी, ये प्रोटोनिमा वाली कंडीशन भी हैप्लॉइड थी, मेल गैमेटोफाइट्स फीमेल गैमेटोफाइट्स वाली भी कंडीशन हैप्लॉइड थी, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन वाली कंडीशन भी हैप्लॉइड थी, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स वाली कंडीशन भी हैप्लॉइड थी। ये कंडीशन क्या थी, डिप्लॉइड थी, और यहाँ पे जो है स्पोरोफाइट जो बनता है ये भी डिप्लॉइड था, और यहाँ पे जो कैप्सूल बनता है ये भी डिप्लॉइड था, और यहाँ पे जो स्पोर मदर सेल्स बनती हैं ये भी डिप्लॉइड थी। तो इसके बाद हमारे पास देखिए हमसे पूछा गया है प्रोटोनिमा जो है वो कौन से किस तरीके की होती हैं, हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड्स होती हैं, स्पोरोफाइट्स होती हैं या टिप्लॉइड्स होती हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो प्रोटोनिमा है वो क्या है, हैप्लॉइड है। मैंने आपको पूरा ड्रॉ करके क्यों बताया कि हो सकता है आज आपके एग्जाम में प्रोटोनिमा पूछा था, कल कभी किसी एग्जाम में या कभी किसी क्वेश्चन में पूछ दे कि कैप्सूल कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। हो सकता है कभी किसी एग्जाम में पूछ दे कि जायगोट कैसा होता है, मान लो जायगोट तो नहीं पूछेगा क्योंकि जायगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, मान लो पूछ देता है कि स्पोर मदर सेल्स कैसे होते हैं, स्पोर कैसा होता है, मान लो कि मेल गैमेट्स कैसे होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर
पाथवे या प्रॉपर लाइफ साइकिल बना के बताया था कि इसमें जो है कि कौन सा तरीका होता है, किस प्रकार की इसमें कंडीशन होती है, हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, हैप्लॉइड, और ये ही इसका जो है कि करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम में आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको लाइफ साइकिल याद होनी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।